आप सत श्री अकाल नमस्कार, न्यूज प्लस वन से मैं शगुफा परवीन, हम आपको बता रहे हैं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। जय हिंद, मैं हूं यासीन हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन। उत्तर प्रदेश में विदाई से पहले मानसून झूमकर बरस रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते एक हफ्ते में रुक रुक कर कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। वहीं सुल्तानपुर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि 18 सितंबर तक बारिश का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अमरनाथ मिश्र ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चली चला की बेला में मानसून सक्रिय है, नतीजन उत्तर प्रदेश के जिलों में जमकर बरसात हो रही है। उन्होंने बताया है कि अभी 3 दिनों तक मौसम में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। बारिश और तेज हवाओं से उखड़े पेड़ व टूटे बिजली के खंभे, मौसम अलर्ट, इन जिलों में अभी नहीं थमेगी बारिश। करीब 48 घंटे से सुल्तानपुर समेत आसपास के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। आंधी तूफान के साथ हो रही मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के चलते पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ कर गिर रहे हैं। शहर हो या गांव, ज़्यादातर इलाकों में बिजली की सप्लाई लगभग ठप हो गई है। राजधानी लखनऊ हो या फिर कोई अन्य शहर या गांव, सब कहीं पानी भर गया है, सड़कें लबालब हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 36 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि 18 सितंबर तक सुल्तानपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना है। इतना ही नहीं, मानसून इस कदर मेहरबान है कि मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना है। इनमें करीब 10 जिले 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आकाशीय बिजली के साथ जोरदार बारिश होगी। इन जिलों में भारी बारिश का पूर्व अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, लखनऊ, गाजियाबाद, अयोध्या, सुल्तानपुर, मथुरा, सीतापुर, संभल, मुरादाबाद, शामली, बुलंदशहर, बिजनौर, सहारनपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, बागपत, हापुड़, मेरठ, इटावा, हमीरपुर, बलिया, जालौन, औरैया, ललितपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, फतेहपुर, कानपुर देहात, हरदोई, उन्नाव, अलीगढ़ और बांद्रा जैसे जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। नदियां उफान पर, अब जबकि मानसून के विदाई की बेला नज़दीक है, मानसून अलविदा कहने ही वाला था कि मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। जाते जाते सुल्तानपुर समेत पूरे प्रदेश में मानसून मेहरबान है और पिछले कई दिनों से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई गंगा, जमुना और गोमती सहित सारी नदियां उफान पर हैं। इससे लोगों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो 17-18 सितंबर तक मौसम का यही हाल बना रहेगा।